गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, वेलकम इन साइंस क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। फंक्शंस मीन्स होता है बेटा काम, डिफरेंट माने विभिन्न, पार्ट्स मीन्स भाग ऑफ ए प्लांट, मतलब कि प्लांट्स में, पौधे में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके क्या क्या काम हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ चैप्टर 6। रीड एंड आंसर। व्हाई आर प्लांट्स यूजफुल फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। प्लांट्स क्यों हमारे लिए यूजफुल हैं, हमारे लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, पेड़, हवा चलती है, वाटर के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, उसमें वाटर आता है, एयर आती है, आता है और सनलाइट आती है, इस तरीके से। Have you ever grown any plants? क्या तुमने कोई पौधा ग्रो किया है? Discuss in class which plants give us medicine? कौन सा प्लांट हमें मेडिसिन देता है? हमने रफली आपको बताया हुआ, नीम प्लांट देता है मुझे मेडिसिन। और कौन सा प्लांट है? तुलसी। How can you conserve a plant? तुम किस तरीके से एक पौधे को बचा सकते हो? Conserve means बचाना, सेव करना, ठीक है। टेल, अब आता है देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। यहाँ पर हम लोग के पास बहुत तरीके के पौधे होते हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग, लिविंग माने सजीव हैं, दैट नीड, उनको क्या चाहिए, वाटर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड एयर, ठीक है। तो प्लांट्स को क्या क्या चाहिए, वाटर, पानी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मीन्स मिनरल्स चाहिए, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड एयर, एयर मीन्स हवा चाहिए टू लिव, उनको जीवित रहने के लिए। एंड कैन मूव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, प्लांट्स जो होते हैं, एंड कैन मूव तो नहीं कर सकते हैं, ग्रो बढ़ने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए उनको क्या चाहिए, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। प्लांट्स डिड नॉट मूव, ये क्रॉस है, बाकी प्लांट ग्रो करते हैं बढ़ने के लिए और रिप्रोडक्शन, अपनी ही समान प्रजातियों को उत्पन्न करने के लिए प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए, इन सब प्रोसेस के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाटर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड एयर की। प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स, बहुत तरीके के प्लांट्स में पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, ईच विद स्पेशल फंक्शन, सभी का कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शन होता है, कुछ विशिष्ट फंक्शन मिस काम होता है। प्लांट प्रोवाइड पीपल विद फूड, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट। प्लांट जो होते हैं लोगों को फूड, खाना देते हैं, शेल्टर मिस छांव देते हैं, रहने का घर देते हैं, जैसे लकड़ियों से ही फर्नीचर बनाए जाते हैं, एंड अदर प्रोडक्ट, और भी विभिन्न तरीके के पदार्थ हमें प्लांट से मिलते हैं। गार्डनिंग एंड फार्मिंग आर मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। गार्डनिंग, हम अपने गार्डन्स में प्लांट्स को ग्रो करते हैं। फार्मिंग, क्रॉप्स जो बड़ी बड़ी फील्डों में तैयार की जाती है, इस तरीके से हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। प्लांट हैव 3 मेन पार्ट्स, रूट, ये देखिए बेटा ये रूट हो गई, रूट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका स्टेम, ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम, ये रूट है, ये स्टेम है, और ये हो गई उसकी लीव्स, ठीक है। तो 3 मेन पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट यूजली ग्रो अंडरग्राउंड एंड एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल। हमने रूट को कभी भी बाहर नहीं देखा, जड़ों को, जड़ें हमेशा मिट्टी के अंदर ग्रो करती हैं और मिट्टी से वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है।
जो हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर सक चुके हैं। द स्टेम सपोर्ट द प्लांट, स्टेम्स जो होता है वो प्लांट को सपोर्ट करता है, अगर स्टेम ना हो तो खाली लीफ कैसे ग्रो करेंगी, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट, और स्टेम के थ्रू ही जो रूट जो सक करती है वाटर और न्यूट्रिएंट्स वो ऊपर तक पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद आता है लीव्स प्रिपेयर फूड, लीव्स जो होती है वो प्रिपेयर फूड करती, खाना बनाती है, किचन फैक्ट्री कहलाती है, क्योंकि लीव्स प्रिपेयर फूड किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उसने प्रीवियस चैप्टर में बताया था, इसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट के अंदर रूट्स वो लीव्स के अंदर जाता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल इसकी मदद से वो अपना खाना बनाती है। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।